नमस्कार दोस्तों, राम राम मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है परीक्षा कैसे डिजिटल क्रांतिकारी और ज्वलंत प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई हर्ष कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान के गलियारों से आ रही है एक बहुत ही सुखद खबर दिया दोस्तों, जो मेरे प्यारे भाई बहन BSTC की तैयारी करने के लिए इच्छुक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, BSTC 2022 के फॉर्म भरने की डेट जारी हो चुकी है। क्या रहेगा प्रोसेस, कितने पदों पर कितनी पोस्टों के लिए ये जो है फॉर्म भरे जाएंगे, कितने कॉलेजों में परीक्षा आवंटित होगी और एग्जाम कब तक संभावित हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आज न्यूज में आया है ना, न्यूज में आया है कि भैया एंट्रेंस एग्जाम होता है प्री DN एड के ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त के बाद जल्दी जारी होगा शेड्यूल। ये एक ऐसी सूचना है जो कि एक ऑक्सीजन का काम करके जाती है दोस्तों। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि प्रदेश के 372 कॉलेजों की 25,000 सीटों पर एडमिशन के लिए जाए दोस्तों। टोटल 372 कॉलेज है, टोटल जो सीटें वो 25,000 सीटें, उन 25,000 सीटों पर दोस्तों परीक्षा सितंबर में होना संभावित बताया। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आपके BSTC की एग्जाम है ये संभावित है सितंबर में, और जहां तक मुझे लग रहा है सितंबर में हो ही जाने, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट अपना काम फुर्ती के साथ कर रही है तो एग्जाम होगा ही होगा। और इसमें यह दिया है दोस्तों कि आपकी जो आवेदन है वो 10 अगस्त के बाद शुरू करने की संभावना है, और 12वीं पास आउट अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। तो कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही है कि लगभग 25,000 सीटों पर यह प्री जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। 372 कॉलेजों पर इनकी जो है सीटें वो लागू कर दी गई है। 12वीं पास आपकी योग्यता होने वाली है, सितंबर में संभावित एग्जाम इसका रहने वाला है, और 10 अगस्त के बाद कभी भी 11, 12, 13, मतलब ये जो राखी का त्योहार है ना दोस्तों, आप लोगों के लिए खुश की खबरियां लेके आइए, खुशखबरी लेके आइए दोस्तों। और पिछले साल 31 अगस्त को हुई थी परीक्षा, पिछले साल की भी मैं आपको बता देता हूं, और लगभग 4.33 लाख अभ्यर्थी इसके अंतर्गत शामिल हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये लेवल 1 टीचर के लिए होती है ये परीक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 के पदों पर लगने के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा का होना अनिवार्य है, और 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी DL Ed में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का चयन PDL Ed परीक्षा के जरिए होता है, मतलब ये 2 साल के लिए होगा। तो दोस्तों, ऐसी और भी ज्वलंत ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई सूचना आती है तो मैं समय समय पर आपको इससे अवगत कराता रहूंगा, तो बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और कॉमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप अपना कॉमेंट भेज सकते हैं, उसका उत्तर आपको जल्दी दिया जाएगा। LDC+CET का कंप्लीट वीडियो कोर्स है बेटा अपने पास, आपको अगर सुचारू रूप से तैयारी करनी है तो बेटा करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है, नंबर OTP जो आता है वो लेकर आप लोग जब परचेज पे जाएंगे तो वहां पर आपको कोड लगाना है RJ50। जब ये कोड लगाओगे तो बेटा 50% आपको ऑफ मिलेगा। अब आप बच्चे बोल रहे कि सर राखी पर क्या ऑफर दोगे यार, अभी 50% चल रहा है तो राखी पर तो फ्री में तो धड़े दे रहे है ना। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास हमारे सपोर्टिंग टीम के नंबर है, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 3 नंबर आपको दे रखे हैं, एक बार अगर कोई बिजी रहता है, 2 बार बिजी रहता है तो आप 1-2 बार क्लास करें, उसके बाद में बात करते हैं ठीक है। उसके बाद आपसे बात होगी तो आप इसको पूरा जो भी सिस्टम है परचेज करने का। टीम में आपको बता देना चाहता हूँ, टीम पूरी है बेटा। कृष्णा सर आपको GK पढ़ाएंगे, विश्व सर जी जो है आपको हिंदी पढ़ाएंगे, पाटिल जी सर साइंस, और हमारे मेंटर जो वीर सर है वो बीच बीच में आते रहते हैं, अर्जुन सर इंग्लिश। ये डार्क हैंडसम चॉकलेटी बॉय आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला है CET के अंदर, जगदीप सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, और संदीप सर आपके लिए GK की क्लासेस लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।